गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपका चैप्टर 7 डेंगू बुखार का जो है रिक्त स्थान और प्रश्नोत्तर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए रिक्त स्थान क्या क्या हैं। पहला है आपको सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान। तो डेंगू की सबसे गंभीर अवस्था क्या है? डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डेंगू बुखार में तेजी से किस चीज़ का स्तर कम होता है? प्लेटलेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट है डेंगू बुखार हो गया था किसको? शरीश को। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका हेमरेजिक बुखार में 105 फॉरनहाइट तक पहुंच जाता है क्या चीज़? बुखार। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 105। ठीक है, तो ये आपको अपनी फेयर कॉपी में जो आपने कल किया था सही गलत का निशान उसके नीचे आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर देखिए, पहला है आपका शिरीष को कौन सा बुखार हुआ था? तो इसका आंसर है शिरीष को साधारण डेंगू हुआ था। नेक्स्ट है आपका डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहा जाता है? इसलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है क्योंकि इसमें इतनी पीड़ा होती है जैसे कई सारी हड्डियाँ टूट गई हों। ठीक है, बहुत दर्द होता है इस बुखार में। नेक्स्ट है आपका डेंगू की सबसे गंभीर अवस्था कौन सी है? तो इसका है डेंगू की सबसे गंभीर अवस्था शॉक सिंड्रोम होती है। क्लियर। इसके बाद है डेंगू के मरीज को विशेष रूप से किसका सेवन करना होता है, यानी कैसा सेवन से मतलब भोजन करना होता है। तो डेंगू के मरीज को ताजे फलों के रस तथा तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक, इसमें लिक्विड फूड ही खाया जाता है इसलिए तरल पदार्थ लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेंगू की जैसी बीमारी से बचाव हेतु हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहली है ठहरे हुए साफ पानी को खुले पात्रों में भरकर नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पात्र जिसमें पानी रखना हो उसे ढककर रखिए, मतलब अगर घर में कोई ज़रूरी है कि पानी भर के रखना ही है तो उसे हमेशा ढककर रखिए। ओके, नेक्स्ट है आपका शरीर को दिन में भी पूरी तरीके से ढककर रखिए। क्यों? क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो हमेशा दिन में काटता है। समझ में आया आप लोग को? मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि डेंगू का मच्छर जो होता है वो दिन में काटता है, इसलिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनिए और नीचे पैरों में भी पूरे ही कपड़े पहनिए। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, मच्छरों से बचने के लिए कीटरोधी दवा का छिड़काव किया जा सकता है, मतलब अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कीटरोधी जो दवा होती है उसका छिड़काव कराया जा सकता है। ओके, और ये इसके बाद में आपका चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग इसको अपनी फेयर कॉपी में करिए बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे ऐसे इसका अंडरलाइन करिएगा अलग अलग करके और बहुत साफ सुथरे शब्दों में काम करिएगा। ओके।